नंदन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग जानते समझते में परखते हैं। तो आज के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग जी, अभी एक रिसेंट इंसिडेंट है, हालांकि न्यूज़ में आपको पता चल गया होगा, जो अखबारों में खबर आई है, दैनिक भास्कर में या और लोकल, सिरसा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है भी, जो हनीप्रीत ने एक नया प्रोपेगेंडा प्लान किया था अपने ही खास आदमी के ज़रिए, और उस प्रोपेगेंडा में अब वो खुद फंस रही है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आई है, लेकिन क्या है कि पता होना चाहिए कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, और ऐसी हरकतों से तो समझ में आता है। असल में 2-3 दिन पहले हमने एक फ़ोटो शेयर की थी आप इस फेसबुक पे, और कई लोगों ने पूछा भी ये फ़ोटो किस चीज़ की है। तो आपको ध्यान हो, कुछ टाइम पहले हजूर पिताजी की एक तस्वीर पुतला बना के, उसमें चप्पलों की माला बना के, इस तरह से जो प्रदर्शन किया था यमुनानगर के अंदर, तो उस मसले पे कानूनी कार्रवाई की गई थी। और उसी जो कानूनी कार्रवाई हुई, उसकी वो तस्वीर थी, और उस हमें जो लगता है कि क्योंकि हमें पहले जानकारी थी, जो यमुनानगर में हुआ ये सब हनीप्रीत के प्लान के तहत ही हुआ, हो सकता है ये उसका काउंटर रिएक्शन हो सकता है ये कुछ और हो, जो भी हो। तो लेकिन क्या है कि अभी रिसेंटली कल मैं डबवाली सिरसा के पास एक टाउन है, तो यहाँ से लौट रहा था और अचानक से पुलिस ने पकड़ लिया और ले आए थाने। पूछा भी क्या हुआ, बोला भी ऐसे ऐसे करके भी किसी व्यक्ति ने हनीप्रीत को 50 लाख की फिरौती मांगने की धमकी दी है, और ऑन द मतलब ये जो लॉरेंस बिश्नोई एक फेमस गैंगस्टर है, जो अभी हाल ही में उसका इंटरव्यू भी चर्चित हुआ था, तो उसके नाम से फिरौती मांगी है। और ये सब तामझाम बनाया गया, सब कुछ जो भी कह लो, पूरा लाव लश्कर जैसे 40-50 बंदे पुलिस वाले लगे हुए हैं सड़कों के ऊपर, घेर के गिरफ्तार करना है जी, फिर ये है, ये सारी नौटंकी जो कल चली, उस सब के बाद कह लो भी अभी तो कुछ हुआ नहीं उसमें। लेकिन इस सारे मसले में आपको ब्रीफ बता देते हैं कि एक्चुअली में एक याद हो आपको, हमने 2 साल पहले या पहले भी बरगाड़ी मसले में एक प्रदीप गोयल नाम का शख्स था, डबवाड़ी का था, उदयपुर पीछे से था, डबवाड़ी उसकी फैमिली रहती है, और उसका भाई उदयपुर जो डेरे का स्कूल है उसका प्रिंसिपल भी रहा है, शायद अभी भी है या नहीं है मालूम नहीं। डेरे के अंदर वो रहता था शास्तनामपुरा में, या कहीं उसको घर दिया हुआ था यहाँ पे। तो ये शख्स था, इसको लेके जब इसका बरगाड़ी मसले में प्रदीप क्लेर की जगह प्रदीप गोयल को रिप्लेस करने की प्लानिंग चल रही थी पंजाब पुलिस के लेवल पे, उस प्लानिंग को जब हमने एक्सपोज किया था, तो ये इस व्यक्ति को बरगाड़ी कांड से इसका नाम हट गया था, जबकि इसका नाम था भी नहीं, पर जबरदस्ती प्रदीप कुमार इसका आईडी में नाम था और उसका भी प्रदीप कुमार था, तो इसको रिप्लेस करने की प्लानिंग थी जो हो नहीं पाई थी। और उस टाइम पे हमने इसकी मदद की, उसके बाद इसने बोला भी कोई प्रीतम नाम का बंदा है डेरे में। कुछ टाइम बाद ये फिर हमारे संपर्क में आया, जब इसने बोला कि कोई प्रीतम नाम का बंदा है और 4-5 लोगों को लेके वो इसको मारने निकला है डेरे में, ये गया होगा, वो इसको मारने निकले, और उसके बाद भागते भागते इसकी गाड़ी पलट गई, पलटने के बाद ये गाड़ी छोड़कर वहाँ से भाग गया, और इसने किसी तरह मतलब हमसे कांटेक्ट किया, हम इसको थाने ले गए, इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई, मतलब जैसा हम कर सकते थे थाने ले जाके। तो ये 2 बार इसने हमसे मदद मांगी, उसके बाद हमारा कोई इतना कांटेक्ट रहा नहीं। इसने क्या किया, ये वही व्यक्ति है प्रदीप गोयल, प्रदीप कुमार इसकी आईडी है, इसने पुलिस को जाके बोला भी मैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर हूँ और मैं इनका बड़ा क्लोज हूँ, और इसी चीज़ का हवाला दिया भी, देखो इन्होंने मेरी बरगाड़ी कांड में भी पुलिस से रिलीज कराने में मदद की थी, और इसमें भी जब मेरे को ये मारते थे तो भी मेरी मदद की थी, तो 2 बार मेरी मदद की है, और मैं इनका इम्पोर्टेंट आदमी हूँ। और हमने मतलब प्रदीप गोयल ने, जो उसके कहने के मुताबिक प्रदीप गोयल ने मेरे जरिए मेरी टीम के साथ मिलकर, जो कि कथित तौर पे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली हुई है, और हमने बेस बना के
भी हनीप्रीत को 50 लाख की फिरौती मांगने की धमकी दी है। अब ये बात उसने पुलिस को बोली, और उसके बाद उसने ये भी बोला भी इस तारीख को, मतलब 5 तारीख को सुबह 9 बजे मेरी मीटिंग हुई थी मोहित के साथ, और फ़ोन नंबर दिया भी, इस फ़ोन पे हमारी बातचीत होती है और इस फेसबुक आईडी के जरिए सारी डीलिंग हुई, ये सारा चीज़ें मतलब उसने बताई। अब जब पुलिस, मेरा आमना सामना हुआ उससे कल रात, तो हमने पूछा भी कहाँ मीटिंग हुई, सारा कुछ बताया, तो एक्चुअली उसकी कोई भी बात सही नहीं निकली। जहाँ उसने जगह बताई भी इस जगह मीटिंग हुई थी और ये व्यक्ति साथ था, वो जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब वहाँ कुछ है ही नहीं ऐसा। दूसरा, उसने जो फ़ोन नंबर दिया वो फ़ोन नंबर किसी पंजाब में किसी लड़के का था जो कि 2 साल से बंद पड़ा था। और फिर उसने क्या किया भी, उसने मतलब मेरी वाइफ का नाम भी ले दिया, और मेरी शादी भी नहीं हुई है, और उसने कहा जी मेरी वाइफ भी है, उसके जरिए सारी डीलिंग हुई। अब वो कह जी वाइफ हो गई तो मिलेगी इसको, तो इसको वाइफ का कैसे पता लग गया, तो ये चीज़ भी हुई। तो उसके बाद पता लगा भी ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। और अब कई लोग कहने लगे मेरे साथ वाले, मेरे इतना बेवकूफ़ तो नहीं हो सकता जो इतनी बड़ी प्लानिंग के साथ उतरा हो, जिसने पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तरीके से उनसे कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश की हो, और किस तरह से उसने एक फर्जी नंबर पे व्हाट्सएप एक्टिवेट किया अपने फ़ोन पे, उसके जरिए मैसेज भेजा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात भी उसके पास हनीप्रीत का मोबाइल नंबर आया कैसे, डेरे के किसी भी 45 मेंबर या 85 86 जो भी हैं, किसी के पास जो स्टेट लेवल के बंदे हैं, हनीप्रीत का मोबाइल नंबर नहीं है। इनफैक्ट डेरे के अंदर किसी भी सतब्रह्मचारी और गुरु ब्रह्मचारियों के पास जो निचले लेवल पे हैं, एडम ब्लॉक लेवल पे नहीं है, उनके पास भी हनीप्रीत का नंबर नहीं है। किसी मीडिया कर्मी के पास हनीप्रीत का फ़ोन नंबर नहीं है, सिवाय डेरे के ऊपरले 2 3 प्रबंधकों के अलावा। तो फिर पंक ये जो प्रदीप कुमार है, इसके पास वो फ़ोन नंबर कैसे आ गया हनीप्रीत का? उसके बाद ये सारी नौटंकी चली तो समझ आ गया, अभी झूठ बोल रहा है, अब इतनी बोगस स्टोरी के ऊपर कैसे कार्रवाई कर दे। लेकिन जो CIA सिरसा का इंचार्ज था, ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, आई थिंक प्रदीप कुमार नाम था शायद, तो वो न्यूट्रल था इस पूरे मसले में। जो मतलब जैसे बायस होती है कई बार पुलिस, जो थाने में तो अक्सर सेटिंग हो जाती है, तो CIA वाले, क्योंकि इनका रोज का होता है अभी क्राइम के लोगों को इस तरह से पकड़ना पूछना, तो वो न्यूट्रल था अपनी उसमें। उसने मेरे को पहले ही स्टेज पे क्लियर किया भी अगर कुछ गलत है, अगर ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो हम आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और अगर ये सच बोल रहा है तो फिर हम छोड़ेंगे भी नहीं। तो ये पहली स्टेज पर उन्होंने क्लियर किया, लेकिन ये था अभी उठा तो वो अपने हिसाब से ले आए जैसा पुलिस करती है वैसे ही, लेकिन धीरे धीरे बाद में उनको चीज़ें क्लियर हुई, और फिर बहुत सारी चीज़ें उनसे भी मुझे पता चली और मुझसे उनको पता चली कि भाई अच्छा इतना सब कुछ भी हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी मतलब एक्सचेंज हुई बाद में पर्सनल लेवल पे भी, अदर देन ये जो केस के अलावा। और पेपर वर्क में एक्चुअली पुलिस का क्या होता है, पेपर वर्क बहुत होता है, तो पेपर वर्क में टाइम लग जाता है 1 घंटा 1.5 घंटा आराम से वो लिखने में, मैनुअली हर चीज़ लिखते हैं, बस उसको लेके थोड़ा 1 1.5 घंटा उसमें ख़राब हुआ, और उसके अलावा तो ट्रैवलिंग में ही टाइम लगा जो लगा, 1 घंटा ट्रैवलिंग में लगा, 1 घंटा पेपर वर्क में लगा, 1 घंटा थोड़ा इधर उधर जाने में किसी थाने में, कभी किसी थाने में, 3 घंटे लगभग लगे होंगे उस सब कुछ इसमें, वो इतना सब कुछ पैचअप हो गया, मतलब पैचअप क्या है, सब कुछ क्लियर हो गया मैटर। लेकिन इस सब के बाद उनको भी ये बात समझ आ रही थी उस समय जब वो बातचीत पूछताछ कर रहे थे प्रदीप कुमार से भी, कि भाई ये चीज़ एक्चुअली प्लांटेड है और ये बंदा एक ट्रेंड है, अभी पता है अभी 2 3 महीने से ऊपर इसको सजा नहीं होगी, और तरीके से इसने ये काम किया है ताकि मोहित गुप्ता को फंसा सके, क्योंकि वो अपने स्टेटमेंट में बड़ा अजीब सा बिहेवियर था उसका। लेकिन उनको चीज़ क्लियर हो गई भी इसको पता ही नहीं है अभी मोहित गुप्ता कब कहाँ था क्या था, और हर चीज़ मतलब उसकी कोई भी चीज़ कुदरती मेल नहीं खाई, ये सारी चीज़ें घटित हुई। और उसके बाद हालांकि पुलिस को समझ आ रही है, लेकिन अब क्या है कि आपको भी पता है अभी जो सरकार की जान है वो तोते में कैद है, और तोता हनीप्रीत है, और हनीप्रीत के साथ जब प्लानिंग करेगी तो प्रशासन तो भी कोर्ट सरकार का ऑर्डर मानने वालों में से है, उनको तो जो ऑर्डर ऊपर सर बड़े ऑफिसर देंगे, बड़ी सरकार के बंदे देंगे, मंत्री देंगे, वो तो वही मानेगी ऑफिसर तो। लेकिन क्या है कि फिर भी ये चीज़ मतलब इस स्टेज पे, अभी आगे अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन SP सिरसा और CIA सिरसा, CIA इंचार्ज सिरसा,
इन दोनों का बिहेवियर न्यूट्रल था और इन्होंने मतलब ये नहीं कहा मेरे को किसी भी स्टेज पे कि बायस्ड है। हाँ, थाने पे हम भरोसा नहीं करते, सदर थाने पे बिल्कुल भी, क्योंकि वो तो इनके इशारों पे ही नाचते हैं सारी जगह। वो तो हमने बहुत सारे केसेस में देख लिया, अभी इनका तो मर्डर भी गोल कर देते हैं वो। पर ये CIA की इन्वॉल्वमेंट की वजह से शायद ये सारा कुछ सही हो गया सेटलमेंट। पर इस सबसे बहुत सारी चीज़ें सामने भी आई और बहुत सारी चीज़ें पुलिस को भी क्लियर हो गई, हमें भी क्लियर हुई पुलिस के लेवल से कि क्या कुछ चीज़ें इनकी चलती हैं और कैसे कैसे ये पुलिस का भी इस्तेमाल करते हैं और कैसे ये पुलिस पे दबाव बनाते हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर हुई। हालांकि हमने उनसे कहा था भी हम हमारे को दे दो ये प्रदीप कुमार, हम आपको पता करके बता देते हैं अभी कहाँ से ये एक्टिवेट हो रहा है, पर उनका अपना तरीका है, हमारा अपना तरीका है। खैर जो भी है, हमने तो अपने एंड पे थोड़ा बहुत पता लगाने की कोशिश की है, तो उसमें यही समझ में आया भी एक स्क्रिप्ट के तहत इसको पैसे का ऑफर दिया गया कि भाई इतना पैसा मिल जाएगा क्योंकि इसको पैसे की ज़रूरत थी, और बस ये सारे स्क्रिप्ट पे काम करते, 2-3 महीने जेल रहना पड़ेगा और बस इतना काम करना है और एक थोड़ी सी मार खानी है, इतना पैसा मिल जाएगा। वो शायद उस सेटअप के अंदर इसने काम किया लेकिन वो बैकफायर कर गया। अब क्या है कि पुलिस कम मतलब एक तरह से कवर अप कर रही है, FIR जो कटी है अभी तक ऑनलाइन उस FIR की डिटेल अवेलेबल हुई नहीं है। हो सकता है अभी क्यों नहीं अवेलेबल है पता नहीं, पर अवेलेबल हुई नहीं है। लेकिन इस सब में बहुत सारी चीज़ें मैंने और भी सीखी। एक्चुअली इस स्टेज पे मैं आपको कैसे समझाऊं मुझे पता नहीं, लेकिन एक मतलब हम कहते हैं ना पिताजी ये बोलते हैं भी आपके सोचने से पहले हमें पता है भी आप क्या सोचने वाले हो। तो ये चीज़ इस बार मैंने महसूस की स्ट्रेट वे कि मतलब 5 तारीख का ये घटनाक्रम बताया गया पुलिस की तरफ से, और 4 तारीख से जैसे मेरी जो हमारा रूटीन है, और 4 तारीख से मेरा रूटीन जैसे इस तरह से प्लान हो गया, मतलब हर चीज़ ऐसे हो गई मैं जैसे हर प्लान, हर साजिश, जो हर बयान था वो प्रदीप कुमार का, वो कंट्राडिक्ट हो गया। अभी अचानक से नहीं हो गया सब कुछ, भी जैसे जैसे पिताजी खेल खेल रहे हों कोई, और उसमें बकायदा एहसास भी कराया कि भी ये देखो इस तरह से हमने कुछ होने नहीं दिया। और ये चीज़ हालांकि ऐसा तो बहुत बार घटित हुआ है, लेकिन एक कहते हैं ना भी बिल्कुल क्लियर कट है जहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न ही ना हो, वो इस स्टेज पे मुझे लगता है मैं एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा और लगेगा लाइव पे, तो पिताजी के सामने कभी हों, संगत के सामने हों, फिर शायद ये चीज़ें सब ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट हों, पर यहाँ लाइव पे वो चीज़ें नहीं। पर मैं इस चीज़ को मैंने पहली बार ये ऑब्जर्व किया पूरा डेफिनेटिव वे में भी कैसे पिताजी ने हर चीज़ प्लान की और कैसे कैसे थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में आ रहा था, और वो चीज़ पहले से बिल्डअप हो रही थी मुझे पता नहीं है। जैसे मैं आज जो सोच रहा हूँ भी यार अगर कल को कुछ ऐसा हो जाए तो ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन पता चले भी वो ऑलरेडी हो चुका है और आपके सामने कल को आने वाला है और हम सोच रहे हैं आज। और ये जो चीज़ें हुई मेरे साथ, ऐसे ऐसे लगा जैसे पिताजी हर चीज़ पहले से एक प्लान ही करे बैठे थे भी ये सब कुछ होगा और उसके बाद ये सब कुछ ऐसे होगा। क्योंकि 1 हफ्ता पहले लगभग किसी व्यक्ति ने हमारे पे मैसेज तो भेजा, कहते जी कोई चर्चा चल रही है अभी आपको शायद गिरफ्तार करने की कोई प्लानिंग है। हाँ जी, अब क्या गिरफ्तार करेंगे, 295 से ऊपर इनका जोर नहीं चलता। कहते ना जी कोई चर्चा तो कर रहे थे कुछ लोग, हमारे पास खबर पहुंची है। मैंने कहा ठीक है जब होगा तब देखेंगे, मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन अब जो चीज़ें हुई तो उससे समझ में आया। इसके बाद क्या है कि बहुत सारे सत्संगियों से बातचीत, क्योंकि आज सुबह से ही जब से वो अखबार में खबर छप गई तब से फोन ही फोन आए जा रहे हैं बहुत सारे लोगों के, और अभी कई तो इस बात पर नाराज है भी हमें रात को बताया क्यों नहीं। तो एक्चुअली हालात ये थी कि उन्होंने तो रास्ते में से फ़ोन ही छीन लिए, अब बताने का मौका ही नहीं दिया किसी को। फ़ोन दिया उन्होंने मुझे 11:30 बजे के आसपास, लगभग 11-11:30 बजे के आसपास, और तब तक तो कार्रवाई ख़त्म ही हो गई थी। तो फिर अब बताते तो किसको बताते, तो मैं तो घर पे भी नहीं बता सका भी क्या कुछ हो रहा है। चलो खैर जो भी था, पर ये चीज़ें क्या है, अभी हनीप्रीत का ये प्लान तो ख़राब हो ही गया, लेकिन इससे बहुत सारी चीज़ें सामने भी आई भी कैसे चीज़ें कवर अप होती हैं और कैसे क्रिएट होती हैं और कैसे पुलिस का इस्तेमाल भी इस तरह से हो जाता है जहाँ पे पुलिस को ही नहीं पता होता अभी हो क्या रहा है। और मतलब एक इस लेवल की प्लानिंग, और आप ये मत सोचिए भी प्रदीप कुमार बेवकूफ़ था, उसने इतनी बोगस बातें कैसे बोल दी, क्योंकि ऐसे घटनाक्रम संगत ने बताए कि जहाँ पे बहुत सारे ऐसे किसी ने बताया भी एक कोई स्कूल टीचर थी और स्कूल टीचर के साथ ऐसी कोई घटना घटी जिसमें 45 मेंबर ने उसको फंसाना चाहा किसी केस में,
स्कूल टीचर को, और उसके बाद जो एप्लीकेशन 45 नंबर उन्होंने तरीके से सेटिंग करके उसकी कंप्लेंट उसके स्कूल अथॉरिटीज़ को या ऊपर की अथॉरिटीज़ को भेजी, तो उस एप्लीकेशन में इतने बेसिक ब्लंडर्स कर दिए और जिससे वो एप्लीकेशन बोगस सिद्ध हो गई, और उसके बाद वो सारी कार्रवाई जो वो करवाना चाहते थे वो हो ही नहीं पाई। मतलब उसमें फिर पिताजी का ये जो कंसेप्ट आता है, अभी कहते हैं ना भगवान लात नहीं मारता मती मार देता है, तो वो चीज़ है भी इनका असल में बेवकूफ़ियाँ की नहीं है ये, तो जैसे पिताजी करवाते हैं और ऐसी बेवकूफ़ी कराते हैं भी जिससे पता चल जाए भी इनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। तो पुलिस वाले भी सिर पकड़ के बैठ गए भी आखिर ये आदमी क्या है भी, इसको ट्रेंड तो करके भेज दिया पर ये किस तरह से ट्रेंड किया, मतलब वो मेरे सामने कहे भी यार ये कैसा बंदा है भी, कैसे ट्रेंड करके भेजा है भी, इसको पता ही कुछ नहीं और क्या बोले जा रहा है इसको कुछ खुद नहीं पता, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है जैसे पता नहीं बिल्कुल ऐसे ही हुआ है मुझे जैसे, और ऐसा नहीं है कि वो एकदम से बोल गया, अभी पूरे तरीके से प्लान करके उसने बोला भी ताकि पुलिस वालों को भी यकीन आए भी ये सच बोल रहा है, लेकिन क्या है भी उनका तो रोज का वास्ता है ऐसे लोगों से। पर खैर जैसा भी था ये सब कुछ सामने आया, और उसके साथ साथ कुछ लोगों के बारे में और मैं आपको बताऊं भी, बहुत सारी संगत सुमन करती है रूटीन में, सुमन करने के बाद बहुत कुछ चीज़ें वो एहसास भी करती है समझती भी है, और पिताजी बहुत सारी चीज़ें उनको बता भी देते हैं अपने तरीके से भी क्या भविष्य में घटित होना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है भी आप हम लोग उस तरह से सुबह 2 से 4 में सुनो समाधि लगाते हों या उसमें उस तरह से जाके सारी चीज़ें ब्रह्मांड के अंदर होने वाली घटनाओं को हम ध्यान साधना में या सिमरन के जरिए देख सकते हों, लेकिन बहुत से ऐसे सत्संगी हैं जो ये करते हैं और फिर वो कुछ उनको लगता है भी ये चीज़ बता देनी चाहिए संगत में तो वो बता भी देते हैं। तो ऐसे कुछ सत्संगियों का अपना अनुभव है, उन्होंने बताया है कि हमें इस स्टेज पे सुबह 2 से 4 जो समय है, जैसे हमने 9:30 से 10 बजे रात को सुमरन रखा हुआ है, और 9:30 से 10 इसलिए रखा है भी 6 बजे के बाद उपवास संग कुछ खाते नहीं है, तो 6 के बाद भी 3 साढ़े 3 घंटे हो जाते हैं 9 साढ़े 9 तक, तो ताकि सुमरन में मन लगे भी 9:30 10 बजे तक सुमरन करके 10 बजे बंदा सो जाए और 10 बजे के बाद सुबह 3-4 बजे उठ के दोबारा सुमरन कर सके। तो अब इसी सिलसिले में ये तय किया गया, आज कुछ 20-25 लोग थे मीटिंग में, कि सुबह 3 से 3:30 बजे का सुमरन भी हम फिक्स करेंगे, फिक्स कर देंगे 3 से 3:30, जैसे 9:30 से 10 बजे रात का है भी, सुबह 3 से 3:30 भी फिक्स कर देंगे। उसके अलावा आप 2 बजे उठते हैं, 2:30 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, वो देखो आपका अपना जितना कंफर्ट जोन है या जितना आप ज़्यादा टाइम सिमरन में देना चाहें वो अच्छी बात है, लेकिन हमारी तरफ से हमने 3 से 3:30 बजे तक का टाइम एक बार फिक्स किया है, और क्योंकि ये एक तरह का जैसे जो लोग सिमरन करके बताते हैं, देखो मेरा इतना कोई सिमरन करने का इतना वो नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं ऊपर की चीज़ें देखा हूँ, लेकिन जो लोग जेन्युइनली ये करते हैं उनका ये कहना है भी हालात कुछ ऐसे आगे बनेंगे तो आपको सिमरन करना बहुत ज़रूरी है, और ये सिमरन एक तरह से आप ये समझिए भी हजूर पिताजी मतलब काल और दयाल की लड़ाई किस चीज़ की है, वो कोई ईंट पत्थर से थोड़ी लड़ते हैं, वो होती है वचनों की भी, काल ने ये वचन लिए दयाल ने ये वचन लिए, और काल अपने वचनों से बाहर जाएगा तो दयाल उसका उसका बोनस अपने भक्तों को देगा, और अगर दयाल अपने वचनों से कभी बाहर जाता ही नहीं है तो काल दयाल की दयालता का इस्तेमाल करता है एक तरह से, तो इस तरह से ये एक लड़ाई चलती है। उसमें जब काल दयाल को चिढ़ाता है भी देखो आपके शिष्य ये नहीं कर रहे, आपके शिष्य ये नहीं कर रहे, तो ऐसे में फिर वो एक तरह से पिताजी को नीचा दिखाने की कोशिश करती है बुराई, तो ऐसे में जो भक्ति वाले लोग हैं वो ये कहते हैं भी काल कुछ इस तरह का खेल खेल रहा है, तो आप संगत को ये हम कहें भी आप सुबह 2 से 5 के बीच में आधा घंटा या 1 घंटा नाम जपें, अब क्योंकि टाइम बाउंड कर देंगे तो आसान हो जाता है सबका मिलके काम करना, हाँ तो इसलिए 3 से 3:30 बजे हमने फिक्स किया है, और उसके अलावा आप 3 से 4 कीजिए, 4 से 5 कीजिए, 7 से 4:30 कीजिए, 2 से 3 में कीजिए, वो आपकी अपनी कंफर्ट जोन है, पर हमने 3 से 3:30 किया है। तो खैर ये जानकारियाँ थी हमारे पास और आपको देने के लिए, फिलहाल जो नया मसला खड़ा हुआ है और यमुनानगर में जो हुआ था उसको लेके कार्रवाई पुलिस कार्रवाई की गई है कागजी तौर पे, बाकी अभी वहाँ से क्या एक्शन हुआ है उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, और जैसे वो जानकारी आएगी हम आपको बता देंगे, और बाकी बहन वीरपाल कौर है पंजाबी में आपको थोड़ा इस मामले को बेटर जो सिमरन से रिलेटेड है या जैसा भी हम इस दौर से निकल रहे हैं तो
उसके मामले में बेटर समझा सकते हैं थोड़ा आध्यात्मिक भाषा में। तो और कोई सवाल आपका जो भी हो आप भेज दीजिएगा, क्योंकि 9:30 बजे तक हमें फिनिश करना है, उससे पहले पहले। तो वीरपाल बहन जी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, तो आप उनको सुनिएगा जी। हाँ जी बहन जी बोलो। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी दी प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आज्ञा। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु पिता जी अक्सर एक वचन करया करते सी, जिथे सच हुंदा है उथे खुद सतगुर हाजिर हुंदा है। ते ए रात जिन्ना भी घटना चक्कर होया, ए सारा प्रतक जो गुरु पिता जी दे जेड़े वचन आ ओ पूरे हुंदे, सारा ने अपने अखा नाल देखे कि जे मोहित बेटा सच्चा सी, फेथवर खजवाड़े की टीम सच्ची है, तां गुरु पिता जी खुद हाजिर हो गए। इस गल का आप यकीन मनो कि गुरु पिता जी ने खुद हाजिर हो के सारा जेड़ा घटना चक्कर सी ओनू मतलब सारे का सारा उल्टा ही कर दिता। क्योंकि ये तो कहावत ही है ना भी झूठ दे कदे पैर नहीं होंगे, ते जेड़ा हनीप्रीत ने एडा वड्डा जाल सुटिया सी पूरी प्लानिंग दे नाल, पूरी फेथ वर्सेज वर्डिक्ट की टीम से, क्योंकि डॉक्टर मोहित से अगर कोई वार करता है तो असि कदे भी ये नहीं समझा कि मोहित से वार है। असि सीधा सीधा ये मानते हैं हमेशा ही कि फेथ वर्सेज वर्डिक्ट की टीम से, पूरी टीम से वार किया गया। फेथ वर्सेज वर्डिक्ट की टीम के किसी मैंबर से भी कोई इस तरह वार करता है, जो कोई जिम्मे पहला अवतार विधिया से भी होया, किसी से भी होंगे, तो असि हमेशा ये समझते हैं कि पूरी की पूरी जी टीम है चैलेंज किया गया, वो ही वार किया गया, उन्होंने खत्म करने की कोशिश की गई है। पर गुरु पिता जी के वचन आ जोड़े ये लोग भुल जाते हैं। गुरु पिता जी के वचन है कि जिन्या भी चाला चलोंगे वो सारिया उल्टिया चलन गिया, उल्टिया पैन गिया, कोई मूह नहीं लाऊगा। जिंदा भी थोड़ा नैटवर्क जिथे भी चल रहा वो सारे नैटवर्क एक दिन फेल हो जाने हैं, तो सिर्फ के सिर्फ सतगुर वाला नैटवर्क चलना है। तो जोड़ा सेठ वर्सज वाडिक का जोड़ा है नैटवर्क है, सिर्फ से सिर्फ अपने गुरु पिता जी के लिए लड़ रही जी टीम है, गुरु पिता जी के लिए खड़ी हुई टीम आ, जा जिथे सिर्फ गुरु पिता जी सतगुर की ही गल की जाती है। नैटवर्क मतलब सिर्फ सतगुर का ही इतने चलता है, इस करके लगातार जड़िया लगातार कोशिशा जारी है। पहला टीम ब्लॉकों में भेज भेज के कि शुरू शुरू देखा संगत के दे, फोन फड़ फड़ के किमें ब्लॉक किया गया पेज न, उस तो बाद इन्होंने किमें पूरी कोशिश की। गुरप्रीत सिद्धू वर्गिया ने लाइव के बोलिया सारी संगत को कि तुम सिमरन करके जोड़ा है फेथ वर्स का टीम है जोड़ा पेज है ब्लॉक करो। उस तो बाद जो जुप्पी वाला आया उन्हें भी पूरी कोशिश की, संगत को हाथ खड़े तक करवाए गए कि तुम उस टीम को नहीं सुनना। पर गुरु जी की अपार कृपा है कि इन्हों की कोई भी चाल हूं यह सीधिया चालों से उप जे उतर है, जिमें गुरु पिता जी दूसरे वचन करते होंगे सी भी काल से दयाल की जंग चल रही है। तो आप देखते हैं भी काल एक पास पिता कहने अगर उन्होंने कोई काल है तो फिर साडा भी दयाल है। हम एक पास काल आ काल के एजेंट है, काल साढ़े सतगुर का भी रूप धारण करके बैठ गया इन्होंने विचकार आके, तो बाकी सारे जे हनीप्रीत वर्ग है सब जे काल के नुमाइंदे है, काल के बुराई के नुमाइंदे है, काल के एजेंट है। और दूसरे पास जो सतगुर के सच्चे आशक है, सतगुर के सच्चे प्रेमी आ फेथ वर्सेज वर्डिक की टीम है, और दूसरे पास दयाल सतगुर अपने बच्चों के नाल खड़ा और प्रतख नूं कहिंदे प्रमाण की जरूरत नहीं हुंदी। रात सारी दुनिया ने यह देखा कि किस तरह इन्होंने एक पूरा षडयंत्र रच के पूरा वड्डा जाल मतलब बुन के अपने आप इन्होंने वेल प्लैंड सारा काम किया, पर जो उस उसू सिखा के भेजा सी प्रदीप गोयल ने, मैं तो उन्होंने भी कहनी है भी लख लानत है तेरे ते, तू यहोजी केड़ी चीज तेन दिती कि जिदे उत्ते तू साडी सारी टीम का एहसान भुल गया। वो दिन भुल गया जो तेन बरगाड़ी खंड के विचों इसे टीम के मैंबर ने कढ़वाया कि यदि घरवाली खुद मैनू मतलब कि फेसबुक के मेरे जरा पेज से मैसेंजर मैसेज भेजी सी भी सानू भैन जी बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं, जेडे है मैनेजमेंट कमेटी बहुत ज्यादा तंग कर रही है सानू, ते साडी तुसीं हेल्प करो। ते उदों तां तुहानूं बड़ा फेथ वर्सेज वर्डिक्ट दी टीम जिहड़ी सी चंगी लगदी सी, ते अज तुसीं उहनां दीआं चालां दे विच आ के तो
लालच दिता, सानू नहीं पता ये मालक जानता कोई वड्डी रकम का लालच दिता ते जां फिर उन्होंने कोई होर इहनू जिहड़ा धमकाया जां डराया जिहड़ा अज इह इस पूरी टीम का जिहड़ा दुश्मन बन के खड़ा हो गया। वह कहिंदे ना धोबी का कुत्ता ना घर दा ना घाट दा, जिहड़े इह डेरे दे प्रबंधक सी उहदा पहले इहदे दुश्मन ही सीगे क्योंकि इहदा नां उह प्रदीप कलेर की जगह ते पूरी कोशिश की उन्होंने जिहड़ा बदलन की, क्योंकि बरगाड़ी कांड दे विच वी ते पंचकूला कांड दे विच इसे करके इहनू चट्टा गया सी। इह इन्ना नजदीक है कि पुलिस नूं पता नहीं है, मोहित गोपते का तो एक मिनट के पता चला पता कर लिया, वह फोन ट्रैक कर करके भी वह बठिंडे तो 8:30 चलिया है तो उन्होंने इन्ने बजे वह डाबा ही पहुंच जूगा, तो इन्ने बजे असं नाके से खड़ना है। तो की इन्हों प्रदीप गोयल का नहीं पता, प्रदीप गोयल का सका भरा जरा वह प्रिंसीपल है उथे जरा अपना आदिवासियों का स्कूल उदयपुर चढ़ाओ के बनया हो, एक माह की गल है। उस बंदे का तुम कनैक्शन दिखा रहे हैं बिश्नोई नाल, भी लॉरेंस बिश्नोई नाल तुम ड्रामा की खेल रहे हैं। असी तो सिरसा पुलिस सिरसा प्रशासन को हाथ जोड़ के बेनती करते हैं, ये जी हनीप्रीत रूपी डैन है ना ये भरोसा ना करो, यह डैन है कहें एक एक घर तो डैन भी छड़ दी, तो डैना भी छड़ गई ओदा भी नाम ही बदनाम है हुण, ये तो एड्डी वड्डी डैन हो गई, इन्हें अपने ही गुरु पिता जी नूं नहीं बख्शा, इन्हें अपनी ही साध संगत नूं नहीं बख्शा, उहदे ते गोली चलवा के मरवा के प्रूफ है सबूत है। बेशक जिहड़ी मतलब कि 17 तरीक की हमारे साडे गुरु पिता जी ने जिहड़ी मीटिंग लई सी सिर्फ सेवादारां की मीटिंग सी, और बाकी जिहड़ी उस तों बाद मीटिंग 45 मैंबरां की लई है वह सारी की सारी जिहड़े मेन जिम्मेवारां की हुई है वह हनीप्रीत ने लई है, जिहदे विच सारा पंचकूले की प्लैनिंग बनी जरा पैसा जिन्ना सप्लाई किया हनीप्रीत ने सप्लाई किया, एवं थोड़ी जी देश घरों की धारा लग गई सी। ये तो ठीक है सानू नहीं पता जी पॉलिटिक्स है किवें गेम खेडी गई है। 27 अक्टूबर जरा दुष्यंत चौटाला वो डिप्टी सीएम के तौर पर जरा सहु चुकता है, तो 1 नवंबर जी यदि देश धरो की धारा टुट जाती है, 6 नवंबर यह बाहर आ जाती है जमानत से, सानू नहीं पता लगता भी तारा कितों हिलद है। गुरु पिता जी कहते होंगे सी कहते सानू सब पता है तारा कितों हिल रही, यह तारा कितों हिल रही, पहला भी सानू गुरु पिता जी सब कुछ पता सी, गुरु पिता जी हुण अपने बच्चों भी सब कुछ दस रहे हैं कि तारा कितों हिल रही। इस जनानी ने पहला आपका सारा परिवार खत्म किया, इस जनानी ने फिर जिस घर जिस गुरु ने इन अपनी बेटी बनाया इनी लाडली रखा, जे नहीं साडा ते सच आंदा एम एस जी 1 फिल्म देख ले, सिरसा प्रशासन ते सिरसा पुलिस उहदे विच साडे गुरु पिता ने वचन किया भी ये फिल्म 200% सच्ची है ते साडे जीवन दी साडी जिंदगी दी सच्ची कहानी है, ते उहदे विच पुछे ना भी मुस्कान कौन है फिर जिहनू साडे गुरु पिता जी कह रहे हैं भी सारी साध संगत दे सामने उत्थे स्टेडियम भरिया होया सी जिद्दे उस शूटिंग हुई है, ते पिता ने साध संगत दे सामने कहा भी साध संगत जी साडी बेटी है बहुत लाडली कहते छोटिया छोटिया जिदा करती रही है, पर अज इस जिदा जी बहुत वही है अपने बाप को सुना चाहती है, इन्हें तो अपना बाप हराया ही नहीं जेल च भेजा, उस तो बाद भी इन्हें इन्नी पूरी कोशिश की कि गुरु पिता इन्हू खत्म करने की, वो तो ठीक है साडा सतगुर कुल मालक है यदि यह चाल नहीं चली, क्योंकि गुरु पिता जी ने वचन करते कि यदि आखिरी इच्छा से यदि जरूर पूरी करांगे, वह वचन हो गए यदि आखिरी इच्छा से गुरु पिता जी ने जेल जाके पूरी करती, पर इन्हें जी गुरु पिता जी मारन की साजिश रची है जेल के विच भी यह लगातार साजिश रचती रही है, तो बाहर आके भी हुण इन्हें जिहड़ा यूपी दे विच लिया के जमूरा बिठाया कि दुनिया नूं पता नहीं है, अन्ने बंदे नूं भी पता लगता वह साडा गुरु नहीं है कि पुलिस प्रशासन नूं ते कि जिहड़ियां सरकारां नूं नहीं पता लग रहा भी असली राम नहीं रही नहीं है, तो फिर किवें हनीप्रीत सारा यह ड्रामा खेड रही है। गुरु प्यारी साहब संगत जी ये जिहड़ियां झूठियां सरकारां ना इन्हां दी खेड भी कोई ज्यादा लंबी समय नहीं चलती, क्योंकि जिहड़ी लंबी खेड चलती है वह सिर्फ सच्ची सरकार दी चलती है, तो सानू माण है सानू माण इस चीज से अपने सतगुर से कि साडे सतगुर साडा सतगुर साडी सच्ची सरकार फेथ वर्सेज वर्डिक्ट दी टीम के नाल है, इस करके किसी की हिम्मत नहीं पैंदी। गुरु पिता जी वचन इन्ने ज्यादा करके गए है कहिंदे 3 वचनां दा कोई पूरा होवे थोड़ा बहुता सेवा सिमरन करदा होवे ते दृढ़ विश्वासी होवे काल महाकाल उहदा वाल भी विंगा नहीं कर सकदा, गुरु पिता जी कह के गए इथों तक वचन करके गए कि कहिंदे एटम भी उहदा कुछ नहीं कर सकूगा, ते इसे करके जिहड़े हनीप्रीत एडे एडे वड्डे एटम छड रही है ना इहनूं इस चीज़ का हंकार है पैसे का हंकार, पिता जी कहिंदे हुंदे सी हंकार तां इक चीज़ का ही बहुत हुंदा है, इहनूं तां पैसे का भी हंकार
हंकार है, ते राजनीति दा लीडरां दा भी लीडरी दा भी हंकार है, इहनू बहुत सारे हंकार है, इहनू ए भी हंकार है कि मैं सारी संगत नू बुद्धू बनाता और मैं सारी सरकार नू बुद्धू बना रही हां, मैं पुलिस प्रशासन नू बुद्धू बना रही हां, मैं कोर्टां नू बुद्धू बना रही हां, इहनू इस चीज दा बहुत ज्यादा हंकार है। ये हंकार इहदा सतगुरु ही चढ़ा रहा है। जिवें आपां देखदे हां ना महाभारत दे टाइम श्री कृष्ण भगवान जी ने किवें दुर्योधन दा हंकार चढ़ाया सी, सारा कुछ जिहड़ा सीगा मतलब पांडवां दा हार गए सी, अखीर जो घर दी इज्जत सी द्रौपदी उहनू भी हार गए, ते जिहड़ा हंकार सी दुर्योधन दा सत जिहड़ा आसमान ते चढ़ गया सी, उहनूं ऐं लगदा सी दुनिया दी कोई पावर हुण मैनूं ना खत्म कर सकदी है ना हरा सकदी है। जदों उहने 12 साल दा बनवास करता ते 1 साल दा अज्ञातवास, उहनूं इन्ना हंकार हो गया वी जिहड़े मेरे दुश्मन सी मैं उह जिहड़े सी अज्ञातवास भेजदे ते हुण तां मेरा कोई दुश्मन ही रहा ते मैं ही सारा राजा ते मैं ही रहूं सारी उमर। की हशर हुंदा दुर्योधन दा ते जिन्हां ने दुर्योधन दा चुप चाप साथ दिता कि उन्हां दा की हशर होया आपां सारी दुनिया दे सामने आपां भी देखदे आ ते हुण भी सेम ही होना है। हुण जिहड़ी सच्चाई ते बुराई दी जंग चलदी आ, हुण जिहड़ी महाभारत शुरू होई है जो काल ते दयाल दी जंग चल रही है, क्योंकि काल दा खत्म होना है, काल ते दयाल दी जिहड़ी जंग है गुरु प्यारी साहिब संगत जी बिल्कुल इह आखरी पड़ाव ते है, आखरी पड़ाव ते यकीन मन्नो बहुत जल्दी जिहड़ा इह कलयुग दा सर्वनाश होना है। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਮ ਜੋ ਜਾਮ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਮ ਦੇ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਮ ਪਿਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਮ ਪੀ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਵੀ ਜਾਮ ਪੀ ਲੂਗਾ। ਪਰ ਇਸੇ ਜੁੱਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਮ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਤਮ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਚਾਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ 85 ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅੰਨੇ ਖਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ 5-7 ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵਟਸਐਪ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਓਪਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੋ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਗੋਲਮੋਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਲੱਖ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਉਲਟਾ ਇਹਦੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 5-7 ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਚੁਕਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂ ਨੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਐਡੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਬੂਤ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਹ ਮਰਡਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ 7 ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਗਾਇਬ ਆ, ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ 295 ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਡਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਸਾ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 295 ਇਹ ਲੱਗ ਜੂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮਤਪਾਲ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਧਾਰਾ ਲਾ ਦੋਗੇ, ਇੰਨੇ ਸੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਮਤਲਬ ਬੁਝਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫੜਫੜਾਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਫੜਫੜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਟਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਫੌਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤਾ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਤਾ,
उस तो बाद जो वड्डा डिक्का खड़ा हुंदा है वो सिर्फ ते सिर्फ फेथ वर्सेस वर्ल्ड दी टीम ही है जिहड़ी मतलब सच जिहड़ा दुनिया नूं दस रही है इस सच दी आवाज नूं जिहड़ा दबाउण दी कोशिश कर रही है तां इह याद रखे इह भुल जावे फेथ वर्सेस वर्ल्ड दी टीम सच दे हमेशा खड़ी सी ते खड़ी रहूगी। असीं अपने गुरु पिता जी दे लई जो मिशन लैके चलने हैं वी गुरु पिता जी नूं अपने नूं जिहड़ा निर्दोश साबित करना, गुरु पिता जी दी आन बाण शान उच्ची करनी ते गुरु पिता जी के दर्श दीदार करने असी वो साडा मिशन भावें साडी इस शरीर दे विच जब तक जान रहूगी ना उदों तक असी अपने मिशन तो पिछे नहीं हटांगे। हरिप्रीत तू समझदी की अपने आप नूं, तू दुनिया नूं सारे ही पता है भी जिहड़ियां तेरियां करतूतां दा तू अपने आप ही दुनिया नूं दस रही है, जिहड़ियां तेरियां वीडियो आ रही ना सामने ते संगत थू थू कर रही है, वह संगत जिहड़ी किसी टाइम तेनों रब मानदी सी ना अज वह संगत भी आ तेरियां वीडियो जो तू गुरु की बराबरी, क्योंकि कोई भी जिहड़ा सच्चा शिष्य होगा यह कोई बर्दाश्त नहीं करूगा कि मेरे गुरु की कोई बराबरी करे। गुरु की बराबरी असी तो यह कहने एक सच्चा आशक तो यह कहता भी भगवान भी मेरे गुरु की बराबरी नहीं कर सकता, मेरा सतगुर तो भगवान तो ही जरा है उपर है एक दो कौड़ी की औत की औकात की वह साढ़े गुरु की बराबरी करे। जो लोग खोन जुपिया आपका गुरु मानते हैं ना तो उन्होंने भी जो किसी का सच्चा प्रेम ना वह भी इस चीज को बहुत ज्यादा घटिया कह रहे हैं भी यह औरत अपने आप को चलो उन्होंने यह गुरु समझती है भी अपने आप को गुरु के बराबर समझने लग गई है, इन्ना ज्यादा ये हंकार बढ़ गया कि अपने आप को गुरु के बराबर समझने लग गई। कालजा के इन्हें अपने आप को उपडेरा मुखी लिखाया ही सी ते हुण यह दुनिया के सामने हरकत करके ये दस रही है भी मैं कितनी घटिया है, मेरे को रूहानियत कुछ नहीं, मैं तो रूहानियत की जीरो है, मैं तो एक वो औरत है जेडे अपने जिसम का जरा नुमाइश कर दी है रब से जेडे जेडे आते अपने जेडे वीडियो देखते ही है ना कि मैं मतलब कि यह अपने आप को कर दिया। गुरु पिता जी ने एक तुम याद होगा सत्संग ना पिता जी सत्संग से आने तो पहला स्टेज से एक बार पिता जी 15 नंबर मोटर वगैरह से इधर सारे खेतों से गेड़ा मार चले गए, आके गुरु पिता जी इन्ने ज्यादा गुस्से हुए कहते वो लोग जेड़े कहते भी असी तो सारी उम्र भगती करांगे, वो लोग जेड़े कहते असी सारी उम्र इंसानियत की सेवा करांगे, कहते अपने आप को ऐ कहते भी असी सत ब्रह्मचारी है जां गुर ब्रह्मचारी, कहते असी जाके अज देखा कहते कोई बटेरे पाली जाता कोई चित्र पाली जाता कोई कुत्ते पाली जाता कुत्तिया के बच्चे पाली जाता कोई कुछ करी जाता कोई कुछ, तो कहते आह काम करना आए थे जे कहते तुम ऐ बच्चे ही पालने से कुत्तिया बिल्लिया के पिता जी कहते क्या बटेरे पालने से, कहते आपके घरे शादियां कराने आपके घरे रेंदे कहते फिर तुम उत्थे पाल लेंगे आपके बच्चे, तो कहते फिर इतने गास नु आए थे गुरु पिता जी के वचन है मतलब सत्संग के लास्ट सत्संग से जदों गुरु पिता ये वचन कर रहे थे तो इन्हों लोगों मतलब कि कुछ लोगों ने नीवियां पाई होंगे मैं देखे दे मूहरे बैठे से क्यों लख की लांत थोड़े से साडा गुरु थोड़े से लांत पा रहा है तो जे तेन एडा शौक सी तो सारे परिवार च रही फिर बच्चे जम लेंगी तो फिर पाल लेंगी हूँ कुत्तिया बड़ा के पा पा के सवानी है तू तुम समझदी है तू अपने आप को पता नहीं मैं की बन गई है रूहानियत है कोई जो तू ये तो अपने आप को शो कर रही है भी मैं पता नहीं किड्डी कवाडी हैगी फिल्मी एक्टर रूहानियत सच्चे सौदे की फकीरी का मुकाम बड़ा उच्चा इतने मिट्टी होके रहना पैदा शान का की काम यह गुरु पिता जी के वचन है परम पिता जी के वचन है इतने शान का की काम है रूहानियत के शान का कोई नहीं बेशक सच्चे सौदे की फकीरी का कहने मुकाम बहुत उच्चा है सचखंड तक लै जाता बंदे नू बंदे तो रब बना है पर इतने मिट्टी होके रहना पैदा है जेड़ा अपनी इतने कोई हस्ती बना के चलिया ना वो खत्म हो इतने पहला भी लोगों ने रूहानियत के जिन्होंने अपनी हस्ती कायम करने की कोशिश की वो खत्म ही होया तो यदा खात्मा भी बहुत नजदीक है। तो दूजा गुरु प्यारी साध संगत जी आप जो मुहिम शुरू कर रहे हैं पहला भी साध संगत तो बहुत साथ दिंदी है, एक तो मैं सब तो पहला रात जिन्ना भी घटना चक्कर होया बेटे ने जो पुलिस लेके गई है उस तो बाद जिन्ना भी घटना चक्कर जिन्ना टाइम 2-2.5 घंटे 12:30 तक यह रहा उस टाइम जिस भी भैन भाई ने फोन किया हर एक ने बहुत वधिया सहयोग किया मतलब मैं बहुत बहुत सारी टीम वालों ही उन्होंने सारे भैन भरावों का बहुत धन्यवाद करती हैं ते आपां इसे तरह ही अगे जदों भी ये मतलब नार्मल अपना कोई ना कोई डंग चलाने की कोशिश की करूगी तो हमेशा आपां इहनूं मूंह तोड़ जवाब देना है, यह नहीं है कि मतलब जिहड़ी फेथ वर्सेज वर्ल्ड दी टीम चुप करके बैठ जू ये मत सोचे ये गुरु पिता जी एहोजा ये हम जो है ना ब्रह्मास्त्र चलूगा गुरु पिता जी ने ही करना असं कुछ नहीं करना
करना गुरु पिता ही नहीं है, क्योंकि जो जाल पिता जी ने एक बार वचन किए जो जाले साढ़े से विछा रही है ना यही जाले से अपने से जाना ही जाना। गुरु पिता जी ने वचन किए एक बार कहते अपने से बर्दाश्त कर लांगे, पर कहते साड़ी साह संगत से जां साडे बच्चों से कोई इस तरह करूगा ना असीं कदे बर्दाश्त नहीं करांगे। तुसीं सतगुर के सच्चे आशकों से जिहड़ा ये चला रहा ना चक्कर भी बदनाम कर ला तो असीं जेलां च करवा देंगे, तुसीं आपकी पावर दिखाउण लगे ये तुसीं आपदे सर्वनाश वल अगे वध रहे हैं। थोड़ा खात्मा बहुत जल्दी होने वाला थोड़ा आ तुसी देख रहे ना किन्ना सिखा के भेजा सी प्रदीप गोयल नूं, फिर उहदे तों बोलिया गया मतलब फिर सच निकलिया सारा कुछ ओहदे मूंह चो, गुरु पिता जी ने फिर ऐसी अपार रहमत की उह तों बोलिया गया, फिर जो सतगुर बुलाना चाहुंदा सी फिर उही बोलिया उहने बोलिया ना। पर हो सकदा इहनां ने सिखा के भेजा होवे जिहड़ी सुनीता अग्रवाल कोई भी तूं आए कह दी उहदी कोई गर्ल फ्रेंड है वी उहदे उहदे घर वाली कहता सतगुर ने मुंह चो गलत कढ़वाया ना। कहिंदे वी जिहड़ा फकीर हुंदा है सच्चा संत हुंदा है वह किसी दे लत नहीं मारदा वह मत मारदा है। गुरु पिता जी ने कहा सीगा वी कदे वी ना फकीर नाल जां सतगुर नाल जिहड़ा कोई मजाक बनूगा ना मजाक करूगा जां सतगुर दी साध संगत नाल जिहड़ा मजाक करूगा वह खुद एक मजाक बन जाया करदा। अज देखो मजाक बनिया कि नहीं बनिया। ठीक है सिरसपुर सिरसा पुलिस ने एक लाइन छड़ती बस एक कली भी जिहड़ा हैगा उहदा संबंध लॉरेंस बिश्नोई नाल जां जिहड़ा सीगा असीं सारा इहनूं कवर अप कर लिया पर इहदे नाल कोई गुजार करन वाली ने इह तां सतगुर अपने आप ही परदे चक देणगे। गुरु पिता जी दे वचन है कि जिन्ना चिर मालक ने परदे रखे हुए हैं उन्ना चिर ही परदे हैं। जिस दिन मालक ने परदे चकते कहते शो अगे हाथ करके कहता सी कहते इन्हें बच्चों को पता लग जू कहते कौन है तो लग जू पता सारी दुनिया में लग जू पता तुहाडियां तारां कित्थे जुड़ियां हुई हैं। मैं फिर सिरसा प्रशासन को कहनी हाँ तुम साड़ी एम एच वन फिल्म देखो तुम एक मिनट च सारा कुछ कवर कर लोगे किवें साडे गुरु पिता जी ने दिखाया कि उस लाडली बेटी का किवें इंटरनेशनल ड्रग माफिया नाल संबंध है किवें लीडर नाल उहदा संबंध है किवें इहनूं डेरे दे विच फिट किया गया साडे गुरु पिता जी नूं खत्म करन दे लई ते किवें उसे लाइन ते ही इहने सारा काम किया। जदों गुरु पिता जी नूं जिहड़ी उस दिन मैं दस्सिया सी जिहड़ी इहनां ने ए ते बी प्लैन कीती सी 25 अगस्त नूं गुरु पिता जी नूं खत्म करन लई जां भजाउण लई जदों उह इहनां लई कामयाब होई ते फिर इसे करके ही जिहड़ा हुण दूजियां कारवाइयां जिहड़ा हुण नकली इहनां नूं उह तैयार करना पै गया। तां गुरु प्यारी साहिब संगत जी आपां अपने सतगुर दे नाल हमेशा खड़ना है। गुरु पिता जी नूं इह नहीं है कि सतगुर हमेशा जिहड़ा सच्चा गुरु हुंदा है उह सर्व समर्थ हुंदा है सर्व शक्तिमान हुंदा है उहनूं किसी की हैल्प की लोड़ नहीं हुंदी। गुरु पिता जी दे वचन भी है वी दुश्मनों के लिए आपका बाप अकेला भी काफी है पर सानूं गुरु पिता जी की लोड़ है। इस करके गुरु पिता जी के साडे ते इन्ने ज्यादा एहसान आ कहिंदे कोई एक एहसान कर दे ना वह भी जन्म उहदे गुरु ते एक एहसान कर दे ते उहदे लवासे भी लखां जन्म होण तां वी नहीं आपां उतार सकदे ते साडे सतगुर ने इन्ने ज्यादा साडे ते एहसान किए हुए भी असीं करोड़ा जन्म भी लै लईए तां वी अपने उह गुरु दे एहसान नहीं उतार सकदे। अपने गुरु दे किए हुए परोपकारां दा आपां बेन नहीं दे सकदे उहदा कोई बदला नहीं चुका सकते। पर फिर भी जिवें मोहित बेटे ने भी दस्सिया भी जिहड़ियां रूहां सिमरन करदियां उह कहिंदियां भी काल काल आ जिहड़ा एक चीज नूं लैके हावी पहुंचदा कि जिहड़ी अपनी संगत आ उह दो तो जिहड़ा पंज दा टाइम है ब्रह्म मुहूर्त दे टाइम है जिहड़ी गुरु पिता जी दा वचन नहीं मन रही उस टाइम सिमरन नहीं कर रही ते नहीं तां काल जिहड़ा बहुत जल्दी है जिहड़ा इहदा सर्वनाश हो जाऊगा जे मतलब संगत सिमरन शुरू कर देवे। तां गुरु प्यारी साध संगत जी तुसीं इह सोचना है कि जिहड़ी काल और दयाल दी जंग चल रही है असीं दयाल नाल खड़े हैं अपने गुरु पिता जी दे नाल खड़े हैं और गुरु पिता जी दे जे नाल आपां खड़े आ आपां कोल होर कोई हथियार नहीं है जिहड़ा आपां चलाउणा है ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਉਣੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋਧੇ ਆ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਉਤਰੇ ਆ ਪਰ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਉਤਰਨਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਆ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਬਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 9:30 ਤੋਂ 10 ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪੇਂਡੂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 8:30 ਫਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 8:30 ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 3:30 ਤੋਂ 10:30 ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਦੇ ਸੁਬਹ ਦਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਇਸ਼ਕ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ
जिहदा प्रेम है गुरु के नाल, वो जरूर यह सोचो कि मैं अपने गुरु पिता जी नूं जिहड़ा कदे वी काल दे अगे नीवां नहीं होण देना, ते मैं सुबह उठ के चाहे अद्धा घंटा इसे मन करा, मैं आपदे गुरु पिता जी दे वचन जरूर मनूंगा। क्योंकि गुरु पिता जी दे वचन है कि कलयुग दे विच वचन मनना, गुरु के वचन मनना सब तो वड्डी भगती है। तो तुसीं इह सोचना वी असीं सब तो वड्डी भगती करनी करनी। एक गुरु पिता जी जिवें कहिंदे हुंदे सी बेटा सूरज छिपन तो पहला जिहड़ा खाना खा लिया करो, वह गुरु पिता जी ने फिलहाल तो अपना जिहड़ा 14 घंटा का वर्त आपां रख ही रहे, उस छे बजे तो बाद आपां वैसे ही नहीं कुछ खा रहे। तो मैनूं ऐं लगदा वी आने वाले हिसाब के नाल जिहड़े गुरु पिता जी वचन करते हुंदे सी बेटा, वैसे तो तुसीं मतलब कि नहीं कुछ करते, पर कई बार ना सतगुर नूं कहिंदे वी उह मार के खीर खवाउणी पैंदी है। तो हो सकता सतगुर आपां नूं खीर खीर तो हुण आपां नूं पता नहीं किन्नी स्वाद हुंदी है, तो वैसे आपां ना खांदे होईए सतगुर आपां नूं बहुत वड्डा कोई फल देना चाहुंदा होवे। पिता जी दे इक इह वचन जरूर याद करिया करो, पिता जी दे वचन है जदों वी इह कल युग खत्म होऊगा इह कल्ला खत्म नहीं होऊगा, इह लोकां नूं दो पुड़ां दे विच पीस के आटा कर दूगा। जिहड़ा किसे ना किसे रूप नाल भगवान दे नाल जुड़े होए आ उह जिहड़े हैगे आ बचणगे। ते फिर पिता जी दे इह वी वचन है जो रह जाएंगे मालक ते प्यारे उनको मालक ऐसी खुशियां बख्शेगा कि जो आज तक रूहानियत में किसी को किसी ने बख्शी नहीं है। तो गुरु प्यारी साहब संगत जी तुसीं इह देखो भी सानू गुरु जी इहो जिहे वचन करके गए है, मेरे फिर इहदा मतलब रूहानियत दे विच तां बहुत सारे संत महात्मा पीर अवतार होए है, ते इहदा मतलब जो उहनां नूं खुशी इन्नियां इन्नियां हजारां सालां तक उहनां ने भगतियां करके जो उहनां नूं खुशी नहीं मिली अपने सतगुरु जी उह सानू खुशियां दे वचन करके। जे अज आपां गुरु पिता जी दे वचनां च रह के भगती करांगे, क्योंकि काल ते दया दी जदों जंग चल रही है, फिर ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਚਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਬੇਟਾ 2 ਤੋਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਕਸ ਕਰੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉੱਠੂਗਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਚ ਲੱਗੂਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖੋ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਿਸਕੋ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੀ ਕੋ ਆਜ਼ਮਾਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਇਸੀ ਬਹਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰਹਿਮਤੋਂ ਕੇ ਲੁਟਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁਟਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਹਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਲਗੇ ਲਗੇ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਭਜਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਾ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਾਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ 2 ਤੋਂ 5 ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬਦਲਤਾ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਤੋਂ 5:30 ਦੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਦੇ ਵਚਨ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਉਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਡਰਪੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਮਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਰਪੋਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਮਜਾਜੀ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਸਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਕੀਕੀ ਇਸ਼ਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਕੀਕੀ ਇਸ਼ਕ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਸਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਜਿਸਕੋ ਲੱਗ ਜਾਤਾ ਹੈ ਉਸਕਾ ਤੋ ਕਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਾ ਤੋ ਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਜਰੀ ਔਰ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਕੁਲੋਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆਸ਼ਕੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਕਾ ਤੋ ਕਿਆ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਥਾਣਾ ਹੀ ਧਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਾ ਤੋ ਕਿਆ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ,
बुजुर्ग चले गए दुनिया तो उन्हों का भी उद्धार हो जाना जी साडिया आने वाली पीढ़ा उन्हों का भी जरा है भला हो जाना। इतों वीडी दौलत देखो होर कि है तो फिर असं जीडिया पौधियां है कट्ठिया करने पिछे ना लगे गए जी दुनियादारी की दौलत है ठीक है जिंदगी जीने वास्ते चाहिए है पर जो ये कलयुग का वर्तारा वरतूगा ना साडे ये दुनियादारी वाली भावे अरब कट्ठा कर लो तो भावे खरब यह काम ही नहीं आना उदो सिर्फ तो सिर्फ जी नाम की कमाई की होगी असी वो नाम की कमाई ही साडे जी हैगी काम आऊगी। गुरु पिताई के वचन है गुरु पिताई ने एक बार वचन किए थे कहिंदे भगवान को लगातार याद करो सुबह शाम जैसे जरूरी है ना रोटी खाना भोजन करना वैसे समझो भगवान का नाम लेना भी जरूरी है। भोजन करने से ताकत आए ना आए हम आपको लिख के गारंटी देते हैं। देखो गुरु पिता जी कहते हैं लिख के गारंटी देने तुम कहते हम आपको लिख के गारंटी देते हैं राम नाम सुबह शाम जपने से आपको ही नहीं आपकी कुलों की आपके कुलों को भी ताकत आएगी। मतलब देखो सानू तो ताकत तो नहीं आनी सानू तो पावर मिलनी मिलनी तो साडिया कुलों को भी ताकत आऊगी आपके परिवार तर जाएंगे ऐसा आराम ना भी साडे परिवार भी अगे तारन की गुरु पिता जी गल करी जाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी इस करके जेड़ा ये काल ते दयाल दी जंग दा आखरी पड़ा है इहदे विच आपां भी अपने गुरु पिता जी का हर वो वचन मनना है जो गुरु पिता जी सानू एक सच्चे आशक दे वास्ते दस के गए जो एक सच्चे आशक नू मनना चाहिए अपने गुरु पिता जी का वचन तो उस वचना से चलते हुए जे असीं अपने गुरु पिता जी नू खुश कर सकते हैं तो फिर इस तो वड्डी होर सेवा होर की हो सकती है क्योंकि एक शिष्य नू हमेशा एक सेवक नू एक सच्चे आशक नू एक सच्चे प्रेमी नू की चाहिए कि उहदा गुरु खुश होवे। मतलब हमेशा ही आप सोचो भी जिस काम ना सा गुरु खुश होवे तो सिमरन ना मैंने लगता है जो आप सुबह सिमरन शुरू कर देंगे क्योंकि आप शाम का फिक्स हो गया तो गुरु पिता जी इन्ने ज्यादा खुश होणगे कि देखो जिहड़े मेरे बच्चे है तो किन्ने ज्यादा जिहड़े हैगे साडे वचना ते अमल कर रहे हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी साडा सतगुर जो खुश हो जाऊगा तो सानू तो खुशियां अपने आप ही मिल जाणगियां। इस करके सानू जिहड़ा हैगा मैं बार बार हाथ जोड़ के बेनती करदी हां ये ना सोचना कि इन्होंने तीन तो साढ़े तीन फिर शायद जिहड़ा हैगा भी टाइम दे के साडे ते थोप दिता गया असीं किसी ते थोपिया नहीं है संगत की अपनी मर्जी है असीं सिर्फ कुछ जिहड़ी साध संगत है उन्होंने रह करके तुहानू क्योंकि जेडे जीव लगातार सिमरन कर रहे उन्होंने बार बार सानू फोन आ रहा है कि तुम संगत को सुबह का सिमरन वास्ते पहला शाम का भी उन्होंने फिक्स कराया हूं भी वो कहते सुबह वास्ते भी तुम जो दो तो पांच के टाइम के विचकार का सिमरन है वह जरूर संगत तो शुरू करवाओ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी गुरु पिता जी ने एक होर भी वचन किए मैं लास्ट के सिर्फ तुम गुरु पिता जी के वचन ही जेडे है सुनाए दो मिनट है ध्यान सुनना तो गुरु पिता जी के वचना से एक हमेशा अमल भी कमाना है। गुरु पिता जी ने वचन किए हुए है कि कहते क्योंकि जे कलयुग है कलयुग प्यारी साध संगत जीओ जहां तरह तरह के खेल आप देख रहे हैं दुनिया नू वो तो अज आप देख ही रही है भी किवें दुनिया दे विच खेल खेले जा रहे हैं और पता नहीं कितने मालक ने दिखाने हैं तो उस टाइम पिता जी कह रहे भी हुण भी तुसीं देख रहे हैं बहुत खेल जिहड़े खेले जा रहे हैं दुनिया च ते कहिंदे फिर आने वाले टाइम दे विच भी पिता जी दस रहे हैं भी मालक ने दिखाने हैं आप देखते रहिए साह संगत कह रहे भी आप देखते रहिए क्या क्या हो रहा है समाज में कौन क्या है कौन किस से जुड़ा है ये तो राम जानता है। जो आपको दिख रहा है हो सकता है वो सही ना हो उस टाइम पिता जी वचन कर रहे हैं तब उस टाइम संगत को की लगता भी हनीप्रीत से सारा नाम लगता सी पता नहीं यही सही है इसे करके हुण पता लग रहा है इन्हां वचना का मतलब की है उदो शायद इन्नी समझ नहीं लगती सी पर पिता जी वचन कर रहे हैं जो आपको दिख रहा है हो सकता है वो सही ना हो आप ऐसे ही कह रहे हैं कि नहीं ये तो सही है कोई पता नहीं कौन सही है क्या पता कोई उस सही का ही इस्तेमाल कर रहा हो कोई पता नहीं इस समाज में सो बहुत बुरा हाल है समाज का बहुत बुरा हशर जहां लोग मन के सताए हुए है मन के मारे हैं। पिता जी बिल्कुल क्लियर कट कह रहे हैं पिता जी एक ये गल याद रख लो पिता जी जो भी वचन करते होंगे सी वो किसी होर नूं नहीं करते होंगे सी जो साध संगत गुरु पिता का सत्संग या मतलब सुन रही होंगी सी ये वचन उन्होंने होंगे सी तो गुरु पिता जी की कह रहे हैं कहते लोग मन के सताए हुए हैं मन के मारे हैं
सतगुर के प्यार में तो कोई कोई मारा है, जहाँ पिताजी मतलब ना पिताजी हंस रहे हैं थोड़ा, अगर आप वीडियो में देखोगे, सतगुर के प्यार में तो कोई कोई मारा है, जिसने सब कुछ उस पे मारा है, और मालिक को अल्लाह राम को वो दोनों जहां से सबसे प्यारा है। तो गुरु प्यारी शाह संघ जो लास्ट पिताजी ने तुकबंदी करी है, कहने भी मानते तो सारे मारे हुए हैं, सारे मन के सताए हुए हैं, जो उसे बैठे पिताजी सब नू कह रहे हैं, कोई पिताजी आए नहीं भी कितने, पिताजी किसी ने डरते नहीं होंगे सके भी डर के वचन करते, पिताजी कहते जिन्हें भी है सब कहते लोग मन के सताए हुए, मन के मारे हैं, कहते सतगुर के प्यार में तो कोई कोई मारा है। तो फिर देख लो गुरु प्यारी साध संघ जी कि संगत के किन्ने सच्चे आशक निकले, तो बिल्कुल गुरु पिता जी के वचन साढ़े सामने पूरे हो रहे हैं भी सब कुछ उस पे वारा है, कहते जिसने सब कुछ उस पे वारा है, जिन्हें तन मन धन सब कुछ अपने गुरु नु अर्पण किया हो, किन्ने लोग आप देखे ही है, तो नहीं तो वो परम पिता के वचन भी जेडे कहें मारांगे ना तेरे ते चढ़ के रात की गड्डी, किवें आप देखे भी रात की गड्डी चढ़े ते किवें रात को जहाजा से भी चढ़े, फिर सतगुर के प्यार में तो कोई कोई मारा है, जिसने सब कुछ उस पे वारा है, ते जो लास्ट लाइन है वो भी बहुत मतलब पिताजी की रहमत ना देखो, आप देखिए किड्डे वड्डे वचन, और मालिक को अल्लाह राम को वो दोनों जहां में सबसे प्यारा है, ते गुरु पिताजी नू ओही प्यारे है जेडे मतलब के अपने सतगुर के प्यार दे विच मारे हुए है, ते जिन्हां ने अपने सतगुर दे उत्तों सारा कुछ वार दिता है जां कुर्बान कर दिता है, ते जे असीं सुबह अद्धा घंटा अपने सतगुर नू दे दांगे तां इहदे विच कोई वड्डी गल नहीं है, इसे करके हाथ जोड़ के बेनती है आप गुरु पिता जी के वचना से चलते हुए आप अपनी गुरु भगती जी सब तो वही भगती है गुरु के वचन मनना कमाना है, गुरु की आन बान शान के लिए जीना, गुरु की आन बान से शान के लिए ही मरना, पूरी दुनिया के अपने गुरु पिता जी की आन बान शान को उच्चा करना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो आखिरी मिनट दस बोले हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, आप बहुत हो गया, तू दया मेर रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तू ऐसी रहमत बख्श और सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन सतगुरु तेरा आसरा। सत्संग जी, सच्चाई जल्दी से सामने आए और सच सामने आए, इस प्रार्थना के साथ आपने हजूर पिता जी के चरणों में नारा लगाना है। तो एक भाई ने यह भी सुझाव भेजा था, अभी हम लाइव पे नारा ज़रूर लगाया करें, तो जो भी व्यक्ति लाइव देखते हैं और एटलीस्ट वो नारा लिखा ज़रूर करें कमेंट में एक बार कम से कम, जो भी लाइव देखते हैं एटलीस्ट पता चल जाता है, और नारा बाकी लगाया ज़रूर करें, क्योंकि पिता ही ने बोला था भाई सात संगत मिल के नारा लगाती है तो मालिक की दरगाह में फिर मंजूर होता है, तो हम सब इस उम्मीद के साथ नारा लगाएं कि हजूर पिताजी की ये सच्चाई जो है दुनिया के सामने आए, और झूठ जो है वो भी स्पष्ट तौर पे सामने सबको पता चले भी क्या क्या झूठ हुआ है। तो इस प्रार्थना के साथ आपने सभी ने नारा लगाना है जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो इजाज़त दीजिए, 9:30 से 10 बजे नाम सुमन का समय, तो थोड़ा लेट हो गया, माफ़ी चाहते हैं। इजाज़त दीजिए, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।